नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। ...2018 तक सील हो जाएगी भारत पाकिस्तान सीमा। राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2018 तक भारत पाक सीमा को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश पर किसी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। उड़ी हमले और उसके बाद भारतीय सेना के लक्षित हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच शुक्रवार को जैसलमेर पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर ताजा सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। गृहमंत्री ने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड बनाया जाएगा और लगातार इसकी निगरानी की जाएगी। अमित शाह बोले, पाकिस्तान की निराशा को ओढ़ रही है कांग्रेस। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जवानों के खून की दलाली करने के आरोप लगाए जाने की आज कड़ी भर्त्सना की और कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता में व्याप्त आनंद की भावना की बजाय पाकिस्तान में छाई निराशा को प्रकट कर रही है। शाह ने कहा कि गांधी को सोचना चाहिए कि बोफोर्स, कोयला, 2G आदि बड़े बड़े घोटालों की दलाली के आरोप उनकी पार्टी पर लगे हैं। जेटली ने कहा, ब्रांड पाकिस्तान की पहचान वैश्विक आतंकवाद के साथ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य की नीति के औजार के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान पर शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्रांड पाकिस्तान की वास्तविक पहचान वैश्विक आतंकवाद के साथ है, क्योंकि दुनिया में हर बड़ी आतंकवादी घटना के आसपास पाकिस्तानी पदचिन्ह होते हैं। वाशिंगटन में जेटली IMF और विश्व बैंक की बैठकों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद से जुड़े मामलों से निपटता है, उसकी विश्वसनीयता काफी कम है। कोलंबिया के राष्ट्रपति सांतोस को नोबेल शांति पुरस्कार। कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सांतोस को वर्ष 2016 का शांति का नोबेल पुरस्कार देने की शुक्रवार को घोषणा की गई। कोलंबिया में 50 वर्षों से अधिक समय तक चले युद्ध को समाप्त करने के लिए उन्होंने मार्क्सवादी विद्रोहियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन देश में रविवार को कराए गए जनमत संग्रह के दौरान देश की जनता ने उसे नकार दिया है। सांतोस को पुरस्कार स्वरूप $930,000 दिए जाएंगे। हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक की अवधि बढ़ी। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह के गर्भगृह के निकट महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर लगी रोक की अवधि को शुक्रवार को 17 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। इस मामले में न्यायालय 17 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति AM खानविलकर की पीठ ने आशा व्यक्त की कि दरगाह ट्रस्ट इस मामले में प्रगतिशील रुख अपनाएगा। इस ट्रस्ट ने ही उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।